एरे फॉर्मूला के अंदर में हम बात कर रहे हैं लूपिंग के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ 1 2 3 4 5, मुझे इसको आपस में सम करना है, राइट। तो सम के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कि मिड, और मिड में हमने इसको सिलेक्ट किया और कर्ली ब्रैकेट में दे दिया 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 सीक्वेंस नंबर है, कोई ए नहीं है, ए लिखा हुआ नहीं है इस यहाँ पे 4, 5, 6, 9, 3। तो यहाँ 0 आ रहा है। अब 0 क्यों आ रहा है, इसको समझने के लिए हम फॉर्मूला बार के अंदर एवलेट फॉर्मूला होता है उसको करते हैं। यहाँ देखिए इसने क्या किया कि 1 से लेकर सारे डिजिट्स अलग कर दिया, बट मिड फॉर्मूला लगा था, जिस कारण से मिड फॉर्मूला क्या हुआ, टेक्स्ट में रिटर्न किया और सम टेक्स्ट को कंसिडर नहीं करता, इसलिए 0 रिजल्ट आया। तो इसमें मेरे पास दो तरीका है कि मिड को हम वैल्यू फॉर्मूले के अंदर में डाल दें या इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 कर। मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, देखिए रिजल्ट 27 आ गया। यहाँ 27 आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो फिगर आया है, ये फिगर हमारा बढ़ते घटते रहता है, तो कैसे से ऑटोमेट करें, मतलब जो इस सीक्वेंस नंबर हमने लिख रखा है, इस सीक्वेंस नंबर को हम कैसे ऑटोमेट करें, ताकि जितना नंबर ऑफ डिजिट यहाँ होगा उतना नंबर डिजिट की सीक्वेंस ऑटोमेटिक बन जाए। ओके, देखिए इसके दो तरीके हैं। पहले हम ओल्डर वर्जन के तरीका को देखते हैं। ओल्डर वर्जन तरीका में हम क्या करेंगे, लेन का फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे लेन फॉर्मूला से पता चल जाता है इसका लेंथ कितना आता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ रो में आते हैं और यहाँ पे रो का फॉर्मूला देखते हैं, रो 1 से लेके 8 कर दिया। एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस करते हैं। अगर हम एरे पे आते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि रो जो है टूट के 1 से लेके 8 तक का सिक्वेंस बन गया। बन गया सर 1 से लेके 8 तक का सीक्वेंस ऑटोमेटिकली, तो हमें सीक्वेंस नंबर देना नहीं पड़ा और ये ऑटोमेटिक हो गया। पर प्रॉब्लम है कि ये 8 भी तो फिक्स हो गया ना, हमें सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 करके नहीं देना पड़ा, पर 8 भी तो एक फिक्स ऑर्डर ऑर्डर है। तो यहाँ हम कॉन्केट करते हैं कि हम इसमें कॉन्केटा नेट लगाते हैं और इस 8 को ऑटोमेट करने के लिए हम लेन फॉर्मूला, जी हाँ लेन फॉर्मूला का इंतजार करते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं लेन। बट एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर नहीं, क्या करें इसके लिए, तो क्योंकि ये जो कॉन्केट लग गया है जिस कारण से प्रॉब्लम हो रही है, ये टेक्स्ट हो गया और इसको चाहिए द फ्रेंड्स, तो टेक्स्ट को रिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको इनडायरेक्ट का फॉर्मूला बताया था, शायद याद हो आपको। अब एंटर प्रेस करते हैं, अब देखिए हमारे पास 48 आ गया। अब ऑटोमेट हो गया कि अगर 4 डिजिट होगा, 3 डिजिट हुआ तो देखिए रो जो है, रो को क्या मिला, रो को लेन ने दिया 3, 1 से 3 कंबाइन हुआ, इनडायरेक्ट उसको रेफरेंस में कन्वर्ट किया और फिर रो 1 से लेकर 3 तक का सिक्वेंस में टूट गया, फिर रिजल्ट आपके सामने। ठीक है सर, समझ में आया आप लोगों की नहीं सर, दोबारा सर एक बार दोबारा रिपीट करेंगे 2 सेकंड में। सर रिपीट, कहाँ दिक्कत हो रही है बताइए, दिक्कत कहाँ हो रही है। इंडेक्स फार्मूला लगाना रूम में वो एलॉय मैं को वही तो दोबारा। बता रहा हूँ ना, जैसे कि हमने क्या किया, हमने लिखा यहाँ पे 1 स्लैश एन परसेंट में हमने क्या दिया, लेन, ये दिया ना सर लेन, और लेन में हमने इसको सेलेक्ट कर, तो रिजल्ट क्या आया 1 स्लैश 3 आया, मतलब कि बिल्कुल A1 की तरह। अब ए अगर मैं सम फॉर्मूले में इस A1 को दूं तो रिजल्ट 0 आएगा, ये कभी कंसिडर नहीं करेगा कि A1 पे जो वैल्यू डली है उसको सम करके दे, क्यों, क्योंकि A1 टेक्स्ट है, ये फॉर्मूले को पता नहीं चल रहा है, रेफरेंस इस फॉर्मूले को पता नहीं चल रहा है, टेक्स्ट समझ रहा है, वैल्यू समझ। तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला हमने लगाया था इसके लिए, इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर इस A1 को रेफरेंस में कन्वर्ट करेगा, जिस कारण से सम आपका रिजल्ट जाएगा। ठीक है, ये समझे कि नहीं सर।
हाँ उसी तरह से यहाँ हमने क्या किया, कॉनकेट के लिए। अब कॉनकेट होने से क्या रिजल्ट आया, कॉनकेट होने से रिजल्ट आ गया 1/3, मतलब कि 1/3। अब 1/3 जो रो होता है, जैसे हम सम करते हैं ना, इक्वल सम, और सम में 1/3 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है आप सर। तो 1/3 जो रेफरेंस है ना, ये इसको रेफरेंस नहीं मानेगा, टेक्स्ट मानेगा। तो जब इनडायरेक्ट के अंदर हम डालेंगे तो फिर उसको क्या मानेगा, रेफरेंस मानेगा। सिंपल सी, सिंपल सा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, देखिए यहाँ पे हमें लेन ने हमें दिया नंबर ऑफ लेंथ, फिर n परसेंट ने उसको आपस में ज्वाइन कर दिया। इनडायरेक्ट को मिला 1/3, जैसे कि यहाँ पर है, और 1/3 होने से हो गया रो, रो को दे दिया जो कि एक रेफरेंस बन के आ गया 1/3। और हम 1/3 अगर रो में डायरेक्ट लिखते हैं तो वो टूट के 1, 2, 3 इस तरह के कर्ली ब्रैकेट में हो जाता है, जो कि हम जनरली मैनुअली देते हैं, रो यहाँ ऑटोमेटिक लगा देता है। फिर मीट उसके अकॉर्डिंग जो है 3 बार चलेगा, पहले बार में 1, दूसरा 2, तीसरे 3, इस तरह से इनपुट लेगा और अलग अलग हमें नंबर्स दे देगा। फिर अलग अलग नंबर्स को इनडायरेक्ट क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करने पर क्या होगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सम उसको सम कर लेगा। सिंपल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि आप जो है इसको एक चीज़ और सर भी कर सकते हो। अब ये तो लोअर वर्जन का हुआ, अगर अपर वर्जन है तो वो क्या करेंगे, हम यहाँ सम देंगे, सम के अंदर देंगे मिड का फॉर्मूला। मिड के फॉर्मूले में यहाँ जो स्टार्ट नंबर में हम कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3 लिखते हैं, उसके जगह पे हम सीरीज का फॉर्मूला, सीरीज का सिक्वेंस का, माफ कीजिएगा, सिक्वेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कितना रो, तो रो में हमने बोला लेन, कितना जितना इसकी लेंथ है उतना चलो। कॉलर एक ही है, स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना है, कितना स्टेप, एक ही स्टेप लेके चलना है। और फिर यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्टर 1 कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 1, और यहाँ पर जस्ट एंटर, ये देखिए आपके सामने रिजल्ट आ गया। इसमें इनडायरेक्ट का चक्कर ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सिक्वेंस फॉर्म। इसका बेनिफिट कहाँ होता है, चलिए इसके बेनिफिट के बारे में हम बात करते हैं। ये तो हमने सिंपली बताया ऐसे ही, तो जैसे हमारे पास प्रिंसिपल है 50,000, रेट है हमारे पास मान लीजिए 7%, और टाइम है हमारे पास 3 साल। तो आपको क्या करना है कि ईएमआई निकालना है। ईएमआई के लिए आपने देखा था, आपने पीएमटी का फॉर्मूला निकाला, राइट, पीएमटी का फॉर्मूला। पीएमटी के फॉर्मूला में हमने रेट को डिवाइड किया था 12 से, टाइम को मल्टीप्लाई किया था 12 से, और ये हमारा पीवी था 50,000, रिजल्ट आ गया 15,143 रिजल्ट आ गया। बट इसमें कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल है कैसे निकालें, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे, जैसे कि मंथ, यहाँ पे पीपीएमटी, यहाँ पे आईपीएमटी इंटरेस्ट होता है। कि पहले महीने जो होगा उससे क्या होगा, तो इसके लिए हम लगा निकालेंगे फॉर्मूला पीपीएमटी का। पीपीएमटी में रेट को हम करेंगे डिवाइड बाय 12, मंथ हमारा ए रहा पहले महीने का, और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, और हमारा पीवी प्रेजेंट वैल्यू ए रहा। तो रिजल्ट देखिए 1252 में, जो 1543 ईएमआई था उसमें 1252 प्रिंसिपल है, और इंटरेस्ट के लिए निकलेगा आईपीएमटी। आईपीएमटी इसमें रेट को सिलेक्ट किया, रेट को किया डिवाइड बाय 12, मंथ कौन सा है पहला है, और नंबर हमने इसको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, और पी वी प्रेजेंट वैल्यू हमारा 50,000 है, तो 291।
अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये सिर्फ एक महीने का निकाला है, सिर्फ एक महीने का, ठीक है सर। अब मुझे दूसरे महीने के लिए चाहिए होगा तो क्या करना होगा, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना होगा, या दूसरे महीने का आ गया, या तीसरे का आ गया, चौथे का आ गया, पांचवें का, छठे का, सातवें का, इस तरह से, इस तरह के मंथ वाइज निकालना होगा। मतलब मान लीजिए कि मैं 36 महीने का हमारा है, 20 महीने में हमने जमा कर दिए हैं पैसा इनको, 30,000 रुपये जमा कर दिए। तो ऐसा थोड़ी जाके मैं बोलूंगा कि भैया मैंने 50,000 का लोन लिया था, मैंने 30,000 जमा कर दिया है, 20,000 ले। तो 30,000 में आपने प्रिंसिपल कितना जमा किया है, क्योंकि 30,000 में इसका इंटरेस्ट भी तो है, समझे सर। तो मुझे क्या करना होगा, यहां तक नीचे 20 तक का सीक्वेंस ले जाके सबको ले जाके फिर सम करके प्रिंसिपल, फिर इसमें से प्रिंसिपल को माइनस करना होगा, 50,000 में प्रिंसिपल माइनस होगा, फिर बचेगा 100, आपको पैसा देना है। तो ये कैलकुलेशन यहाँ एक बार में निकाला जा सकता है। जैसे पीपीएमटी, हमने यहाँ पे पीपीएमटी में हमने सेलेक्ट कर लिया अपना रेट डिवाइड बाय 12 टाइम, टाइम में पर में। अब मुझे यहाँ पे रो का फॉर्मूला लगाना है, रो में इनडायरेक्ट का फॉर्मूला, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में 1 के साथ सेमी कॉलन एंड परसेंट, और इस 20 को ऐड करना है। इनडायरेक्ट को क्लोज किया, फिर मैं रो को क्लोज किया, और टाइम का मल्टीप्लाई बाई 12, और पीवी हमारा प्रेजेंट वैल्यू हमारा, और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है। अच्छा इंडेक्स लग गया, इनडायरेक्ट लगाना था मुझे, इसलिए दिक्कत हो गई। स्पिल डिवाइड बाई 12 होगा क्या, टाइम टाइम मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो? टाइम मल्टीप्लाई होगा ना, रेट डिवाइड होगा। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। एवरेज फॉर्मूला में D6 लिया, हो गया एक से इनडायरेक्ट रो को मिला एक। ओके हाँ, सॉरी, ये बेसिकली जब भी हम कोई एरर फॉर्मूला लगाते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो उसके लिए हमें सम देना होगा, क्योंकि तो रिजल्ट अलग लग आएगा ना, सम करेंगे फिर उसको रिजल्ट यहाँ देंगे। देखिए अब आया रिजल्ट सही, अब देखिए क्या हुआ, इसने अलग अलग टूटा। आप देख पा रहे हैं इनडायरेक्ट ने 120 दिया, रो 120 नंबर पर चला गया, पीएमटी को 120 बार चलना पड़ा, और हर महीने का अलग अलग रिटर्न किया। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 1252, फिर यहाँ पे आपका 1259, फिर 1266, बिल्कुल इस तरह से किया, फिर सब ने सबको सम करके एक रिटर्न कर दिया। तो अगर हम इस मेथड को ना अपनाते तो मुझे यहाँ तक 20 तक लेके जाना पड़ेगा, और 20 तक जाके अपना लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हमने कर लिया, लेकिन इसी फॉर्मूले को अगर मुझे इसी फॉर्मूले को अगर लेटेस्ट एक्सेल में करना होगा, तो ये जो रो इनडायरेक्ट वाला सिस्टम है इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसके जगह पे हम लगाएंगे फॉर्मूला सीक्वेंस का। सीक्वेंस में रो नंबर हमने बोलेंगे 20 तक चाहिए, कॉलन हमें 1 चाहिए, 1 1 1, स्टेप 1 कर दिया, और इसको क्लोज कर देते हैं, और एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने टर्मिनल। अब आपको डिसाइड करना क्या चाहिए, इसको हम लूपिंग सिस्टम कहते हैं, कि एक ही फॉर्मूला के अंदर उस फॉर्मूले को कई बार रन कर, तो रो या सीक्वेंस फॉर्मूले को लगा। अब इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, कल हम इसमें और आगे डिटेल में पढ़ाएंगे।